और इसमें दो तीन प्रकार की अपने ऊपर अपन को केस। उधर शिव जी का मंदिर है क्या? नहीं इधर नहीं है। क्या उम्र है आपकी? उम्र 35 28 साल मात्र। जस्ट मैंने 15 साल से कर रहा हूं। 13 साल से चला। काफी कम उम्र से। ये डब्बा किस लिए रखा? ये इसलिए कि अपन इधर से मोड़ जाएंगे टर्न को। अच्छा इसका सिंबल है। मार अच्छा नीचे आ रहे हैं तो ये यही रहता है। वो रस्सी बांध दिया। वो बांध के रखा हमने क्योंकि बहुत से कस्टमर वेस करते हैं कि भैया ये निशान ही इधर से टर्न बस समुद्र जैसे लग रहा है। आधे में आ गए हम। नहीं 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 आधे से थोड़ा कम। नहीं कहीं पे जुड़ता है ये पानी। हाँ ये इधर शटर है उस साइड में। दरगाह पे चल रही है ना? नहीं वो डबल राउंड हो यहाँ का दरगाह। हाँ यहाँ से उतना भी तो वो वाले दरगाह जाते होंगे फिर। नहीं जाते तो दरगाह है वहाँ टाइम देता जब लेकर सब पहले आ जाते तो अभी जाओ तो आपका डबल राउंड हो जाएगा। दरगाह लेके जाऊँगा फिर वहाँ से वापस। कितना पैसा लगता है दरगाह से उधर? वो डबल राउंड की पैसा लगेगा। डबल इतना ही बहुत लंबा है कहीं इधर तो भी चलना भी चाहिए। बारिश से लग बहुत दूर है ना। 25 किलोमीटर का है ये। हाँ ये रेंज पूरा सीओर तक गया है। बहुत दूर तक है। सीओर जिला है ना? हाँ जिला है। सीओर जिला नहीं ये सीओर तक गया है पूरा। इस रोड से जाओगे आप पानी पानी दिखेगा फिर नदी आ जाएगी। अच्छा इस करके ये बहुत बड़ा था। देखो वहाँ पर भी लोगों ने बांधा है। इधर शूटिंग करने भी आते क्या? हाँ बहुत शूटिंग होती है तो इधर होता है। हीरो लोग आते हैं? हाँ ये इधर पे पुराने किले टाइप के हैं उधर होते हैं। बहुत शूटिंग होती है यहाँ का। ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। कम पैसे में शूटिंग हो जाती है। अब तक कौन कौन आए? बहुत सारे लोग आ चुके हैं। सलमान खान को ही नहीं देखा बाकी सब। ऋतिक रोशन आ गया। कैटरीना कैफ आ गई। सलमान खान ही नहीं देखा। ऋतिक रोशन को देख लिया। नाना पाटेकर को, अजय देवगन को, रणबीर कपूर को। रणबीर कपूर तो ये VIP पे देखा था। ये यहाँ पे सामने भी देखा। और अजय देवगन को भी ये मंदिर है ना वाली फिल्म है ना राजनीति वो यहीं की शूटिंग। अच्छा ये VIP रोड का सीन है। ये आखिरी में वो सीन नहीं बताते वो अजय देवगन और उसकी माँ आती है उसके पास। तो वो यही सीन है। वो वही मंदिर का वो मंदिर है क्या? हाँ वही मंदिर। अजय देवगन ब्लैक कलर के कपड़े में खड़ा रहता है। उसकी माँ आती है। नाना पाटेकर उधर दीवार से चिपक के खड़ा रहता है उस साइड। वो सीन मैंने स्वयं देखा था ऐसे गाड़ी लगा के। इसको तो बहुत ज्यादा लोड आता होगा इतने सारे लोग। हाँ ना अकेला तो भारी हो जाता ना इतने सारे लोग। भारी हो जाते हैं। नहीं नहीं वो दो लोग ही उसमें चलाने वाले। दो लोग हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्ही पकडू असं काढावं मग शूटिंग असं फक्त मोबाईलच पकडा माझ्याकडचा ले लगा दिया का काही करू नका माझ्याकडे असं शूटिंग पूरी शूटिंग बनाली यूट्यूब पर आप लोग कहाँ सा महाराष्ट्र ये जो डबल वाली है बोट डबल ये क्रूज वाली कितना लेती है? वो बंद है। बंद है क्यों? बंदी हो गई 8 महीने। क्रूज का मतलब पानी में उसका प्रदूषण वगैरह फैला था पेट्रोल आई। अच्छा 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 हाँ हाँ उसमें मछली वगैरह मरने की। अच्छा हाँ इस पानी में भी वो आ रहा था बास आ रहा था तो इसलिए बंद करवा भाई।
ग्रीन ग्रीन अभी इतना पानी क्लीन कहाँ रहेगा, तो बारिश का पेड़ का पानी आता है। इसमें कभी ज़्यादा वेव्स आती है, मोटी मोटी वेव्स आती है? हाँ पहले आती थी, अभी जब हवा आती मछली वगैरह की मछली, हाँ मछली मछली तो बहुत होगी। बनारस में भी ऐसी है ना? हाँ, सीन है वो। रात में मैं घूम रहा था घाट के पास, वो बहुत लोग इसमें सो जाते हैं ना अंदर। हाँ वो बनारस में पेटी वेटी रहती है उनकी। हाँ वो तो वो उनको पूरा पैक करने का। हाँ नहीं तो लोग इसने गया अंदर, उड़ गया। कौन है, इधर कैसे आया? हाँ ऐसी बात है, अली बात। भोपाल तो इसके लिए ही फेमस है। हाँ बोटिंग, ये झील के लिए फेमस है। वो झीलों की नगरी है भोपाल। अब ये एक झील है? नहीं बहुत सारी झील है, बोटिंग इसी में। और कौन सी झीलें हैं? और कौन सी झीलें हैं यहाँ? बहुत सारी है ना, बोटिंग इसी में। ऐसे पैर से भी करते थे, इजी ज्यादा था। हाँ वो पैडल वाला। ऐसे डर नहीं है गिरने का? नहीं ऐसे तो हमने किए, बहुत मारना पड़ता है हमें। हम लोग तो कैसे डर लगता है, बादल मंडरा रहे हैं अभी। फिर बारिश चल रही तो बंद हो जाते ना। और ये मौसम में अच्छा लग रहा है, यही मौसम में अच्छा लग रहा है ओरिजिनल। क्या बोला, एक्शन जास्त मार ले, एक्शन जास्त मार ले। हाथ बरबर मस्त बढ़िया लग रहा है, हवा मस्त लग रही है। मुझे डर का थोड़ा दिल दिया, डर का हो गया। ख्वाजा मेरे भी लग रहा है कि आज आगे कोई सुनना ही है। स्वराज को लाएंगे तो। अभी स्वराज की याद आ रही है? अभी समझ गए ना, अभी गाड़ी इधर कार भी इधर भी लग जाती है ना, इधर कार। हाँ इसलिए गाड़ी आई यहाँ तक। आगे क्या है सीधा? आगे वन बिहार है और मानव संघर्ष फॉरेस्ट है। नहीं नहीं वन बिहार और मानव संघर्ष जा सकते हैं यार। अब क्या करोगे जाके, अब तो बंद हो गया। अपने को इधर ही आना पड़ेगा, वन बिहार मानव संघर्ष। कल उज्जैन जाते हो? दूर चले जाते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करने जाना है। उज्जैन में अभी कैसा, मैं भी नहीं रहूँगा। एक दिन में आना जाना हो सकता है क्या उज्जैन में? हाँ हो जाएगा। नहीं हाँ हो जाएगा, हो जाता है। और दर्शन करोगे तो नहीं हो पाएगा। सुबह निकल, आप शाम को निकलोगे, सुबह दर्शन कर लोगे, जल्दी पहुँच जाओगे, शाम को वापस आ जाओगे 3-4 बजे। ऐसा करो। हाँ ऐसा ही उपाय रहा, सुबह जल्दी निकल के नहीं पहुँचे। अरे तो आपको दर्शन करने में टाइम लगेगा उज्जैन, बहुत भीड़ लगता है, बहुत भीड़ लगती है। बड़ी जगह है, बड़ी जगह है ना। और आपको आरती मिल जाएगी।